नमस्कार, संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ते हैं रीट पीएसआई व पटवार के लिए हिंदी व्याकरण। तो पिछली क्लास में अपनों ने शुरू किया था संधि टॉपिक, उसी टॉपिक को अपन आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। परंतु उससे पहले देखते हैं वही दो शब्द जो अपन प्रत्येक क्लास में देखते आ रहे हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में आपके सामने कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द, तो कौन से हो सकते हैं। देखिए, एक शब्द आपके सामने है चार्ज सीट, ये शब्द है। इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, चार्ज शीट। क्या होता है ये? आरोप पत्र होता है। किसी पर कहते हैं ना कि उसको चार्जशीट किया गया है, यानी उस पर आरोप पत्र जारी किया गया है। तो आरोप यानी किसी पर कोई भी आरोप हो तो उसके लिए एक पत्र निकाला जाता है। उसके लिए क्या क्या शब्द काम में लिया जाता है? इंग्लिश में चार्जशीट और हिंदी में आरोप पत्र। दूसरे शब्द की यदि बात करें तो दूसरा शब्द आपके सामने है सर्कुलर। सर्कुलर ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है और ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आजकल जो पारिभाषिक शब्दावली के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो पत्रों से संबंधित पूछे जा रहे हैं। आधिकारिक पत्र, निविदा, ज्ञापन किसे कहते हैं, यानी इन चीजों से संबंधित ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो आप भी निविदा, ये जो ज्ञापन, इनसे संबंधित सारे के सारे शब्द अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और ये एक तो मैं आज की क्लास में बताई दूंगी, वैसे तो आपकी इस क्लास में कंप्लीट हो भी रहे हैं। तो सर्कुलर, इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, सर्कुलर। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? परिपत्र। ये कौन सा पत्र होता है? देखिए, एक अधिकारी है और वो अपने नीचे के अधिकारियों को एक जैसा पत्र प्रेषित करता है, भेजता है। तो वो क्या करता है कि एक साथ टाइप करवा के और नीचे जिन जिन को भेजना होता है उनकी लिस्ट दी जाती है। तो उस पत्र को क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। किसके लिए? पीएसआई एग्जाम के लिए या एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और अब मैं जो करवा रही हूं, कल भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपको करवाए थे, शब्द आपको करवाए थे, और आज भी महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए शब्द लेकर आई हूं। तो आप अच्छे से रट्टा लगा लीजिए इन शब्दों का। दोबारा देखने का यदि समय भी नहीं मिले तो भी आपके ये ध्यान में रहे, इस तरीके से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे शब्द की। और तीसरा शब्द कौन सा? अपन दो पारिभाषिक शब्दों को देखने के बाद और अपन कहां पर जाते हैं? राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी शब्दों में यदि अपन देखें तो एक शब्द है उबाक। किसे कहते हैं? उल्टी। सामान्यतः अपन उल्टी, खाया पिया जब उल्टा आ जाता है तो उसे उल्टी कह दिया जाता है, उसे ही राजस्थानी में कहते हैं कि भाई उबाक आ रही है मुझे, उबाक आ रही है यानी उल्टी आ रही है। देखिए, इसको वमन भी कहा जाता है, वमन। इसको कय भी कहा जाता है। हिंदी में बहुत से ऐसे लेखक हैं जो कय शब्द काम में लेते हैं कि उसको कय हो रही थी। तो इसलिए इसके तीन अर्थ हो सकते हैं, चाहे कय शब्द पूछ लिया जाए, चाहे वमन पूछ लिया जाए, चाहे उल्टी पूछ ली जाए, चाहे उबाक पूछ ली जाए, अर्थ एक ही होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अंतिम शब्द की। तो अंतिम शब्द कौन सा है? उमराव। उमराव किसे कहते हैं? उमराव सरदार को कहते हैं, सरदार। ये कोई गांव का सरदार हो सकता है, वैसे जाति के लिए नहीं किया जाकर और ये पद के लिए ज्यादा संबोधित किया जाता है कि वो इस गांव का सरदार है, यानी इस गांव का उमराव है। तो इस प्रकार से आज की क्लास के आपके सामने ये चार शब्द हैं जिनमें अपनों ने देखा, चार्ज सीट देखा, सर्कुलर देखा, उसके बाद उबाक देखा, उमराव देखा। तो सर, चार्ज सीट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चार्ज सीट होता है आरोप पत्र, सर्कुलर होता है परिपत्र, और उसके बाद उबाक, उल्टी, वमन या कई, उमराव का अर्थ होता है सरदार। बढ़ते हैं आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ। बहुत ही रुचिकर टॉपिक इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं।
कौन सा पढ़ रहे हैं? संधि पढ़ रहे हैं, और संधि तो वैसे भी बहुत रुचिकर टॉपिक होता है। तो संधि, संधि से संबंधित अपन थे कल के क्लास में भेदों पर, और भेद भी अपन कौन सा पढ़ रहे थे, भेदों में भी अपनों ने देखा था कि भी स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां पर दोनों तरफ स्वर आए। अब अपन बात करेंगे स्वर संधि के भेदों की, स्वर संधि के भेदों की। अब स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं? पांच भेद माने जाते हैं। उनमें से अपन पहले बात करेंगे, सबसे पहले भेद दीर्घ संधि की, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि, इसकी बात करते हैं। अपन देख भी चुके हैं और यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि भाई समान स्वरों का, समान स्वरों का आपस में मेल होता है तब वहां पर कौन सी संधि मानी जाती है? दीर्घ स्वर संधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि समान स्वरों में जो बड़ा होता है वो संधि के तहत बनता है, विच्छेद में चाहे छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, संधि के तहत बड़ा ही आता है। कैसे, कौन सी स्थिति रहती है? तो इसमें तीन नियम माने जाते हैं, कौन कौन से? अ या आ, जोड़ अ या आ, क्या बनता है? आ ही बनता है, ठीक है। और उसके बाद यदि अपन देखें तो ई या ई, जोड़ ई या ई, इसका क्या बनता है? बड़ा ई ही बनता है। इसी प्रकार से ऊ या ऊ, ऊ या ऊ, इनका क्या बनता है? बड़ा ऊ ही बनता है। ये तीन परिस्थितियां इसमें रहती है, ये तीन ही इसमें नियम है। और यदि अपन देखें री, तो समान स्वरों में ये भी होता है, तो री की यदि बात करें तो इसका भी कौन सा बन जाता है? ये बड़ा री बन जाता है, जो कहां पर है? केवल केवल संस्कृत में माना जाता है। और इससे संबंधित यदि शब्द देखें तो एक शब्द आता है पित्री जोड़ ऋण, तो यहां से स्वर निकालना है, यहां से निकालना है, तो यहां से अपनों ने त्री तय में से स्वर कौन सा निकाल दिया? री निकाल दिया, और आगे कौन सा है? री ही है, बाकी कौन बचा? जो के त्यों लिख दो। अब अपने सामने कौन सी कंडीशन आ गई? री प्लस री की आ गई, तो री प्लस री कौन सा री बन जाएगा? बड़ा री बन जाएगा, ठीक है। और बड़ा री किस पर लग जाएगा? तय पे, तो शब्द क्या बन जाएगा? पी तय जोड़ बड़ा री, क्या बन गया? अभी तो अपनों ने इतना सा लिखा था, अब हो गया इतना पितृ, ये शब्द बन जाता है। परंतु ये कौन सी स्थिति है? संस्कृत की स्थिति है। यदि किसी ने संस्कृत भाषा ली है सेकंड लैंग्वेज में, रीट में, तो उसके लिए ये नियम काम आएगा। हिंदी में इसका कोई नियम नहीं है, ये हिंदी में किसी भी काम नहीं आने वाली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन्हीं तीनों नियमों में, तो इन तीनों नियमों में कौन कौन सा नियम रह सकता है सभी से संबंधित, तो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले तो कि इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि भाई इस ए के साथ इन दोनों में से कोई आ सकता है, जैसे ए प्लस ए तो भी आ होगा, ठीक है। इस ए के साथ ये मिला है तो भी आ होगा, फिर इस ए के साथ इस आ को मिला दो, आ को मिला दो, तो अभी क्या आएगा? आ ही आएगा। अब अपन इसको लेते हैं तो ये क्या आ गया? आ गया, ठीक है। अब आ के साथ अपन पहले ए को मिलाएं, तो ए को मिलाएंगे तो भी कौन सा रहेगा? आ रहेगा। फिर इस आ के साथ किसको मिला दें? आ के साथ किसको मिला दें? आ को ही मिला दें, क्योंकि बाद वाला आ है, तो भी क्या आएगा? आ। यानी किसी भी प्रकार से ये एक दूसरे में आ जाए, इसीलिए इनको इस तरीके से लिखा गया है कि भी ए आ में से कोई भी इधर आ जाए, कोई भी इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर अपने को आ ही बनाना है। तो इस नियम के तहत भी चार प्रकार के शब्द अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपन पहले वाले नियम से संबंधित ही एक बार एक दो शब्द देखते हैं। देखिए, एक शब्द है आपके सामने स्वय जोड़ अर्थ, ये शब्द है, ठीक है। तो स्वय जोड़ अर्थ शब्द जो है, इसमें अपने संधि जब करते हैं तो इसका और इसका ही अपने को काम है,
इससे पहले क्या लिखा गया अपने को मतलब नहीं है, इससे बाद में क्या लिखा गया अपने को कहीं कोई मतलब नहीं है। संधि बस पहले शब्द के तो अंतिम वर्ण वर्ण में होगी और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होगी, तो अपने को इन्हीं दोनों से मतलब है, बाकी भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं। अब यहां पर देखिए, यहां से अपने को स्वर निकालना है, तो यहां से अपने अपनों ने स्वर निकाला तो क्या निकला, ए निकल गया, क्लियर। उसके बाद यहां से स्वर निकालो तो यहां से भी क्या निकल गया, ए निकल गया। बाकी ये रथ है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को ये कंडीशन चाहिए थी। अब ये क्या आ गया, ए प्लस ए, ए प्लस ए का नियम आया, बनेगा क्या, आ बनेगा, इसको बना दो आ बना दो। और ये अपन देखते ही हैं कि भाई ये यदि पूरा है तो इसका मतलब ये होता है, यानी इसके बाद स्वर होता है, और यदि ये जुड़ेगा तो इसी में ही जुड़ेगा, इससे बाद वाले। मान लीजिए कि यहां पर तय भी आधा है तो भी ये ए इसके साथ जुड़ेगा, बाद वाले के साथ कभी भी नहीं जुड़ता, ये याद रखना, ठीक है। तो ये ए आ गया, आ गया तो ये इसके साथ जुड़ेगा अपने से पहले वाले के, क्योंकि ये आधा है, यदि पूरा होता तो इसमें भी नहीं जुड़ता, ये अलग से लिखा जाता। मान लीजिए कि यहां पर ये स्वर पूरा है तो फिर अपने को यूं लिखना पड़ेगा, यूं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आधा है तो व्यंजन तो मूलतः आधे ही होते हैं, स्वर की सहायता से ही पूरे बनते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। अब आधा से जो के त्यों लिख दिया, वह प्लस आ वा हो गया और स्वार्थ, इन दोनों का ये बन गया, ये शब्द बन गया स्वार्थ। और स्वार्थ कौन सी संधि में जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में जाएगा, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। क्यों, क्योंकि स्वागत शब्द काफी बार पूछा जा चुका और उसमें सुजोड़ागत होता है, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए, आरपीएससी का बोर्ड का काम ही कंफ्यूज करना है, तो कंफ्यूज करने के लिए वो स्वार्थ शब्द देते हैं ताकि अपन सुजोड़ अर्थ कर दे, परंतु यहां पर स्व जोड़े अर्थ होता है, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं अपन, और यदि उदाहरण देखें तो एक शब्द आपके सामने है, विद्या जोड़ अर्थी, ये शब्द है। अब अपने को यहां भी वो ही काम करना है, यहां से और यहां से स्वर उठाने हैं। अब ये वी द, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, यहां से पे आ स्वर है तो इसको उठा लो, आगे कौन सा है, ए है तो इसको उठा लो, बाकी जो बचा उसके ज्यों के त्यों लिख दो, मतलब ही नहीं है, अपने को सिर्फ इस कंडीशन से मतलब है। अब आ जोड़ ए आ रहा है तो आ जोड़ ए बनेगा क्या, आ हमारी शर्त में है तो हम इसको भी क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं, और ये इस पर चला जाएगा, शब्द क्या बना, विद य जोड़ आ या और रथी विद्यार्थी, ये शब्द बन जाए, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे, अगले कुछ उदाहरणों को भी देखते हैं, अगले कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं इसमें भी अपन देखते हैं। हाँ ठीक है, अब अपनों ने यहां पर क्या किया, ए प्लस ए का ये नियम भी देख लिया और यहां पर आ प्लस ए का ये नियम भी देख लिया। अब अपन देखते हैं आगे, एक शब्द आपके सामने है, हिम जोड़ आच्छादन, ये शब्द आपके सामने है, ठीक है। अब अपने को यहां से और यहां से स्वर निकालने हैं, यहां से अपनों ने स्वर निकाला तो कौन सा निकल गया, ए निकल गया, ए निकल गया, आगे कौन सा है, आ, दोनों निकल गए, बाकी जो बचा उसको ज्यों के त्यों लिख दो। अपने को कंडीशन कौन सी चाहिए थी, ये चाहिए थी। अब कौन सी कंडीशन आ गई, ए जोड़ आ की आ गई, अब ए जोड़ आ की ये कंडीशन यहां पर आ गई, इसका भी बनेगा क्या, आ बनेगा, आ किस में जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, शब्द क्या बना, ही मैं प्लस आ मा हो गया और बच्चा उसको छादन जो के त्यों लिख दो, हेमा छादन, ये शब्द यहां पर बन जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, शब्द आपके सामने है चिकित्सा, चिकित्सा जोड़ आलय, ये शब्द आपके सामने है, ठीक है। अपने को काम यहां से और यहां से है, तो यहां से स्वर निकालिए, तो यहां से यदि आप स्वर निकालेंगे, चिकित्सा सह को आधा किया तो सह में से क्या निकल गया, आ निकल गया, आगे कौन है, आ है, ठीक है।
तो आ और बाकी कौन बचा लय, इसको ज्यों के त्यों लिख दो। अपने को कंडीशन कौन सी चाहिए थी, ये चाहिए थी। अब यहां पर क्या है, आ जोड़ आ, तो आ जोड़ आ भी हमारे नियम में है और इससे भी क्या बनता है, आ ही बनता है। तो आ बना दिया, अब आ किसके साथ जुड़ जाएगा, स के साथ जुड़ जाएगा अपने से पहले वाले के। तो ची की तय, स प्लस आ क्या बना, सा बना। लय को ज्यों के त्यों लिख दो, शब्द क्या बन गया, चिकित्सालय बन गया। ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और पहले वाले नियम से सारे शब्द क्लियर। बताइए कहीं भी संधि मुश्किल है तो, बताइए भूत है तो, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर अपनों ने ऐसे संबंधित सारे के सारे शब्द देख लिए। अब अपन बात करते हैं दूसरे में, दूसरी स्थिति में। समान स्वरों में तीन स्थितियां मैंने बताई है, तो दूसरी स्थिति मैंने कौन सी बताई, भाई ई या ई जोड़ ई या ई आ जाए तो बनेगा क्या, ये बनेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले तो इसको लो, अब ई छोटा ई है, ठीक है, अब छोटे ई के साथ पहले तो इसको मिलाओ ई, बनेगा क्या, बनेगा बड़ा ई। फिर इसको लो छोटे ई को और फिर इसके साथ आगे कौन सा है, बड़ाई, बड़ाई को मिला दो, ये भी क्या बनेगा, बड़ाई ही बनेगा। यानी इसको दोनों के साथ मिला दिया। अब लेते हैं बड़े ई को, बड़े ई को ले लिया, अब ये पहले वाले से छोटे ई से भी मिल सकता है तो क्या बनेगा, बड़ाई बनेगा। अब ये इससे मिलेगा, यानी बड़ा ई भी किससे मिलेगा, बड़े ई से मिलेगा, तो भी कौन सा माना जाएगा, बड़ाई ही। कंडीशन ये कहती है कि भी दोनों में से कहीं भी कोई सा भी आ जाए, पहले छोटा बड़ा, बाद में छोटा या बड़ा, अपने को बनाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा ई ही बनाना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। किसी भी प्रकार की स्थिति हो, दोनों तरफ छोटे हो, दोनों तरफ बड़े हो, पहले छोटा बाद में बड़ा हो, पहले बड़ा बाद में छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं एक शब्द, अपने सामने एक शब्द है रवि जोड़े इंद्र। अब अपने को यहां से और यहां से स्वर निकालना है, वो के वो काम करने हैं और ये काम पूरे संधि में करना है, तीनों भेदों में अंत तक, तीनों भेदों में नहीं, हाँ तीनों भेदों में, सॉरी, मोटे तौर पे जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है ना, इनमें अंत तक अपने को ये काम करना है। यहां से स्वर निकालिए, यहां से स्वर निकाला, वैसे निकाल दिया, क्या निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, छोटी ई थी वो अपनों ने निकाल दी, तो ये आधा बच गया। आगे कौन है, छोटा ई है, बचा नंद्र, जो कि त्यों लिख दो, अपने को सिर्फ इससे मतलब है, ये कौन सा है, ई जोड़ ई, और दोनों ही क्या है, छोटे हैं, तो ये कंडीशन है, बनेगा कौन सा, बड़ा ई बनेगा। तो यहां पर ये जो है वो इस पर लग जाएगा, र व जोड़ बड़ा ई वी, और आगे बचा जो कि त्यों लिख दो, रविंद्र शब्द बन गया। उसी प्रकार से एक शब्द अपने सामने है, कपि जोड़ ईश, ये शब्द है, अपने को यहां से स्वर चाहिए, तो यहां पर पैसे छोटा ई निकाला, निकाल लिया, आगे कौन सा ई है, बड़ा ई है, बाकी कौन बचा, शे बचा। अब यहां पर ये कंडीशन अपने सामने आ गई, यानी छोटा ई प्लस बड़ा ई, अब छोटा ई प्लस बड़ा ई, ये हमारी कंडीशन यहां पर लागू हो रही है, बनेगा क्या, वही बड़ा ई बनेगा। तो बड़े ई को अपने को किस पर लगाना है, इस पर लगाना है, तो कै पे जोड़ बड़ा ई बड़ी ई पी हो गया, अब यहां पे छोटा था परंतु संधि के तहत तो बड़ा ई बन गया। आगे जो शय बचा था जो कि त्यों लिख दो, ये लीजिए, बताइए संधि से आसान कोई भी टॉपिक हो सकता है क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इससे संबंधित और शब्द भी देख लेते हैं। हाँ, अब एक शब्द आपके सामने है, सची जोड़ इंद्र, यह शब्द आपके सामने है, सची जोड़ इंद्र। अब अपने को यहां से और यहां से स्वर चाहिए, अपने को और किसी से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर चय से स्वर निकाला, अब यहां पर कौन सा निकल रहा है, बड़ा ई है, तो बड़ा ई अपने को निकालना है, निकाल लिया, आगे कौन सा है, छोटा ई है, बचा जो, जो के त्यों लिख दो,
ये कंडीशन आ गई, अब यहाँ पर ये स्थिति आ गई, बड़ा ई प्लस छोटी, बड़ा ई प्लस छोटी, ये कंडीशन आ रही है, बनेगा क्या? बनेगा तो बड़ा ई, तो बड़ा ई बनाओ और उसके बाद इसको किसके साथ जोड़ दो? चय के साथ जोड़ दो। तो शय हो गया, चय जोड़ बड़ा ई, सची हो गया और बचा कौन? निंद्र। सचिंद्र किसे कहते हैं? इंद्र भगवान को ही कहते हैं। सची के स्वामी, सची भगवान इंद्र की ही पत्नी मानी जाती है, तो सची का स्वामी भगवान इंद्र ही होता है। इंद्र का मतलब होता है स्वामी और सची होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें रजनी जोड़ ईश की, ये शब्द अपने सामने है, अपने को यहां से स्वर चाहिए, तो र ज न में से स्वर निकाला, कौन सा निकला? बड़ाई। आगे कौन सा है? बड़ाई। बचा कौन? श। अब अपने को इस कंडीशन से मतलब था और अपने इस स्थिति में देख लेते हैं, बड़ाई प्लस बड़ाई बना क्या? वही बड़ाई। अब बड़ाई बना तो ये किस पर लग जाएगा? इस पर लग जाएगा, र ज न प्लस बड़ाई, बड़ी नहीं हो गया और श, रजनीश। रजनी कहते हैं रात्रि को और ईश कहते हैं स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। तो रजनीश चांद को कहते हैं, चांद का पर्यायवाची होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन क्या कहती है वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अब देखिए, तीसरी कंडीशन अपनों ने देखा था, ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ बराबर बनेगा क्या? बड़ा ऊ बनेगा। वो की वो कंडीशन रहेगी, आप इस ऊ को उठाइए, उठा लिया, अब इस पहले छोटे ऊ से मिला दीजिए तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। फिर इसके साथ इसको मिला दीजिए, इसके साथ बड़ा ऊ को मिला दीजिए तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, यहां पर अपन बड़ा ऊ को उठाते हैं, बड़ा ऊ के साथ यदि छोटा ऊ आ गया तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ इसको उठाकर इसके साथ भी मिलाया तो भी क्या बना? बड़ा ऊ ही बना। क्लियर है? ये चार कंडीशन होती है। और यहां पर फिर मैं कहना चाहूंगी कि भाई पहले बाद में कोई सा भी आ जाए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को जाना तो इसके पास ही है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने एक शब्द है, लघु जोड़ उत्तर, ये शब्द है। अब यहां पर और यहां पर जो स्वर है उनको अपनों को अपने को लेना है। यहां पर अपनों ने निकाला तो छोटा ऊ निकल रहा है, छोटा ऊ, और उसके बाद आगे देखें तो भी ये छोटा ऊ है, बाकी बचा तर, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपना काम यहां पर निकल चुका, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बनेगा क्या? बड़ा ऊ ही बनेगा। अब इसको इस पर लगा दो और शब्द क्या बन जाएगा? घ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा घू बन जाएगा, घू। और तर का जो के तो लिख दो, ये लो जी लघु तर यहां पर हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, वधू जोड़ उत्सव, ये शब्द है। अपने को यहां से और यहां से मतलब है, वह यहां से स्वर निकालो, धै के धै से स्वर निकला, कौन सा निकला? यहां पर बड़ा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ निकाल लिया, आगे कौन सा है? छोटा ऊ है तो छोटे ऊ को छोटे ऊ की तरफ ऐसे कैसे लिख दो, अब क्या बना? अब कंडीशन आ गई बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ ये वाली कंडीशन आ गई, बनेगा क्या? वही बड़ा ऊ बनेगा। तो बड़ा ऊ है, इसको किस पर लगाना है? इस पर लगाना है, वह धै प्लस बड़ा ऊ, बड़ा धू हो गया, और बाकी जो तसव बचा है उसको ज्यों के त्यों लिख दो, वधुत्सव शब्द बन जाएगा। ये देखिए, ये होती है संधि, ये होता है हिंदी का सबसे रुचिकर और सबसे आसान टॉपिक। इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी तो आप कभी भी भूत मानेंगे, कभी भी भूत हो ही नहीं सकता ये। हाँ, और यदि अपन उदाहरण देखें तो एक शब्द आपके सामने है, एक शब्द आपके सामने है, अंबु जोड़ उर्मी। अब यहां से स्वर ले लीजिए, अपन वो काम करते ही आ रहे हैं, बैसे
स्वर निकाला, कौन सा निकल रहा है, अभी छोटा हुआ है तो छोटा हुआ। हाँ, अपने को एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं लगाना, संधि में कहीं भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो है उसी को उतारना है। छोटा हुआ रहा है, छोटे हुआ को उतार लिया, आगे बड़ा हुआ रहा है, बड़े हुआ को उतार लिया। बच्चा कौन? रमी। जो कहते हो लिख दो, कहीं पर कोई। कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो अपने को दिमाग लगाने में भी अति नहीं करनी। खाना एक दिन आपको दो रोटी की भूख हो, चार खाइए, न सो पाएंगे, न बैठ पाएंगे, न लेट पाएंगे या न खड़े रह पाएंगे। क्यों? अति तो बुरी होती है, अति हर चीज की बुरी होती है, हमें अति दिमाग नहीं लगाना है। अब अपने सामने कंडीशन क्या आ गई, छोटा हो और बड़ा हो, तो देखिए छोटा हो और बड़ा हो ये वाली कंडीशन है, बनेगा क्या? वही बड़ा हो बनेगा, तो बड़े हो को इस पर लगा दीजिए। अब शब्द क्या बना, हम ब के साथ बड़ा हो लगाया, बम्बू बन गया, तो अम्बू रमी। अम्बू पानी को कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अम्बू के साथ जय लगाओ, अम्बुज कमल का पर्यायवाची होता है, अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है, अम्बुधि समुद्र का पर्यायवाची होता है, और अम्बुर अम्बुर्मी पानी की लहरों को अम्बुर्मी कहा जाता है। उर्मी का मतलब लहरें होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं एक और शब्द की, शब्द है चमू जोड़ ऊर्जा। अब ये शब्द है, अब यहां से अपने को क्या निकालना है, स्वर निकालना है। तो मैं से स्वर निकाला बड़ा हु, बड़ा हु निकल गया, यहां भी आगे कौन सा है, बड़ा हुआ है। बच्चा कौन? जो के त्यों लिख दो। अब कंडीशन आ गई बड़ा हूं प्लस बड़ा हूं। अब बड़ा हूं बड़ा हूं की कंडीशन बनेगा तो वही बड़ा हूं, तो यहां पर भी बड़ा उ बना, इसको इस पर लगा दिया। चय मैं के साथ बड़ा हूं मुंह और रजा, शब्द क्या बना, चमूर्जा। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है चमू, सेना को कहते हैं, सेना के उत्साह को ही क्या कहा जाता है, चमूर्जा कहा जाता है। और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, एग्जाम में आया हुआ शब्द है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहां पर अपनों ने लगभग तीनों नियमों से संबंधित जितने उदाहरण हो सकते थे वो सभी के सभी यहाँ पर देख लिए, और उम्मीद करती हूं कि यहां पर तो आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आएगी, ठीक है। अब अपनों ने तीनों नियमों के अनुसार तो देख लिया भाई, यहाँ पे तो मैं ये बताना चाह रही थी कि भाई इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। और इन सभी में बड़ा बनने के कारण, बड़ा आ बनने के कारण, बड़ा ऊ बनने के कारण, बड़े ई बनने के कारण, हम बड़े को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर मानी जाएगी। ये तो अपना है। अब अपन देखते हैं कुछ और उदाहरण जो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। एक शब्द अपने सामने है आत्म, अपने सामने शब्द है आत्म जोड़ अवलोकन, ये शब्द है। इसकी संधि क्या होगी, यहां से और यहां से स्वर निकालिए, ठीक है। तो यहां पर स्वर कौन सा निकला, अ निकल गया, यहां से भी कौन सा निकला, अ निकला। बच्चा अवलोकन जो के त्यों लिख दो। कंडीशन कौन सी आई, ए जोड़ ए की बनता क्या है, आ बनता है, आ को इस पे लगा तो शब्द क्या बना, आत्मा वलोकन। आत्मा मैं प्लस आ मा हो गया, वलोकन जो के त्यों लिख दिया। ये शब्द बहुत आसान लग रहा है, परंतु समस्या एग्जामिनेशन हॉल में आती है, यहां पे नहीं आती। एग्जामिनेशन हॉल में भी जब समस्या आती है तो किस प्रकार की समस्या आती है, शब्द यूं पूछ लिया जाता है कि भाई आत्मा अवलोकन का विच्छेद क्या होगा, और आपके सामने दो ऑप्शन इस प्रकार के होते हैं, ऑप्शन तो चार आते हैं परंतु दो ऑप्शन इस प्रकार के हैं, एक तो आत्म अवलोकन विकल्प है और एक दूसरा विकल्प है आत्मा आत्मा जोड़ अवलोकन। ये दो शब्द आपके सामने आते हैं तब समस्या आती है। अब समस्या आती है कि भाई यहाँ पे आत्मा अवलोकन है तो हम आत्मा का अवलोकन करें या आत्म का अवलोकन करें, ये समस्या यहाँ पर आ जाती है। तो आपको करना क्या है, तो आपको देखना है इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा।
इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लीजिए, क्लियर है। आत्मावलोकन किसे कहते हैं? अपने आप को देखने को कहते हैं। हमारी आत्मा कभी दिखाई नहीं देती, आत्मा अदृश्य होती है। तो आत्मा को देखना आत्मावलोकन नहीं होता, आत्म को देखना, आत्म का मतलब अपने आप को। तो अपने आप को देखना ही क्या होता है? आत्मावलोकन होता है। तो आत्मा तो नहीं होगा और आत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको शब्दों के अर्थ भी यहां पर पता होने चाहिए। जैसे एक प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही रुचिकर प्रश्न। प्रश्न ये है कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न आपके सामने है, ठीक है? विकल्प आपके सामने है, गौरीश, जिसमें गौरी जोड़ ईश, इस प्रकार से इसका विच्छेद है। दूसरा प्रश्न है नदीश, जिसमें नदी जोड़ ईश विकल्प है। तीसरा जो है वो शब्द है गिरीश, जिसमें है गिरी जोड़ ईश, और चौथा व अंतिम विकल्प है महीश, जिसका मही जोड़ ईश है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। आज की क्लास में इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आप बताने वाले हैं। और फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार शब्द है आपके सामने, प्रश्न को दो बार पढ़कर विकल्प का चयन कीजिएगा। शब्द है गौरीश, नदीश, गिरीश, महीश, और इनमें से जो भी सही उत्तर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन करेंगे और उससे आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।